Highlights. मेरी प्यारी प्यारी पब्लिक, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आई हूँ हैदराबाद। तो गेस करिए हैदराबाद का कौन सा प्लेस है? ओ मेमन, रानी बाग, शहबाज बिल्डिंग, ठंडी सड़क। ये कौन सी ठंडी सड़क है जी? बर्फ निकलती है। केसरिया तेरा इश्क है पिया। तो अब मैं आ चुकी हूँ मॉल। ये हैदराबाद का सबसे बड़ा मॉल है। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है, मैं कभी भी यहाँ नहीं आई। बिकॉज मैं हैदराबाद वैसे ही बहुत कम जाती हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसा मॉल है। बहुत ज़्यादा सुना है इसके बारे में। तो ये भूल भुलैया सी इसकी पार्किंग का रास्ता था। तो अब पार्किंग में एंटर होते देखा कि पार्किंग तो अच्छी थी। अब अंदर से मॉल कैसा होगा वो देखने के लिए मैं जा रही थी। वो ना भूल भुलैया टाइप का जिगजैग टाइप का एंट्रेंस गेट था, तो इसलिए मैंने बोला भूल भुलैया से जा रही हूँ। वेल, अब मैं आ चुकी थी फर्स्ट फ्लोर पर। तो फर्स्ट फ्लोर से जो है ऊपर का ये देख सकते हैं आप नज़ारा ग्राउंड फ्लोर का। यहाँ पर बच्चे गेम्स खेल रहे थे। वाओ। अब यहाँ पर मेरी होशियारियाँ चेक करो आप। कभी कभी इंसान पर अपनी होशियारियाँ महंगी बढ़ जाती हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। ओह, लंदन नहीं जाऊँगी। नहीं नहीं, जाऊँगी जाऊँगी। मूवी देखने का प्लान हो रहा था, लेकिन पहले सोचा पेट पूजा की जाए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और मैं कहीं बाहर आती हूँ तो पागल हो जाती हूँ, भूख सबसे पहले मुझे लगती है। तो मैं आई थी यहाँ, और यहाँ मैंने एक न्यू चीज़ देखी तो मैंने वो ऑर्डर कर दी। ये था ड्रिंक, न्यू मतलब मेरे लिए न्यू ही था बिकॉज मैं इस तरह की ड्रिंक्स नहीं पीती, तो फर्स्ट टाइम ही था। चलिए ट्राई करते हैं कैसी ड्रिंक है, इसका बहुत ज़्यादा सुना था। और ड्रिंक के साथ साथ मैंने एक और चीज़ भी ऑर्डर की थी, जो है ये वेफर्स। ये भी इसी टाइप के थे, तो ये भी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस में देखा था। तो मैंने सोचा चलो आज हम भी ये ट्राई कर ही लेते हैं, इसका टेस्ट कैसा है। तो लो जी, ये मैं अब ट्राई करने लगी हूँ। मुझे थोड़ा है ना अजीब सा इसका टेस्ट लगा था। नेवर। तो उसके बाद अब ये ड्रिंक ट्राई करते हैं। ओ माय गॉड, ये ड्रिंक भी मुझे वैसी ही लगी। उन दोनों चीज़ों ने मेरे टेस्ट को बिल्कुल ही बर्बाद करके रख दिया। तो मैंने बिरयानी ऑर्डर की। बिरयानी अच्छी थी, मुझे अच्छी थी, अच्छी लगी। और पेप्सी इज़ माय लव। तो जी, अब पेट पूजा के बाद मैं जा रही थी सुपर स्पेस से होकर डॉलर वर्ल्ड में। यहाँ पर हर चीज़ $1 की मिलती है, तो मैंने सोचा अंदर जाके देखती हूँ $1 में क्या क्या ले सकते हैं। लेकिन $1 के जैसी ही थी। तो फिर अब मेरा मूड बन रहा था शॉपिंग करने का, तो मैं मॉल के आउटलेट्स चेक कर रही थी कि कहाँ से मुझे कोई ड्रेस अच्छा लग जाए। ARY ज्वेलर्स, बहुत अच्छा शॉप बनाया है उन्होंने। लेकिन वेल, तो मैं सैंडल्स देख रही थी, स्लीपर्स देख रही थी, ड्रेसेस देख रही थी।
और मैं अब तक घूम ही रही थी, मैं पूरे मॉल का विज़िट कर रही थी, देख रही थी किस तरह के आउटलेट्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर हर ब्रांड का आउटलेट था, और बहुत ही ढूंढने के बाद ही मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगी थी, जो थी ये। मुझे ब्लैक कलर वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं गई लाइम लाइट के आउटलेट में, क्योंकि मैं ज़्यादातर बाय लाइम लाइट से करती हूँ मेरी ड्रेसेस, मुझे उनके ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। मैंने फाइनली यहाँ से ये देखें, ये ब्लैक वाला अच्छा था ना, ये मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने ना ना करते भी आखिर ये इसको बाय कर ही लिया। उसके बाद में मैं देख रही थी कि कोई और भी मुझे अच्छा लग जाए, लेकिन मुझे वो ब्लैक ही अच्छा लगा था, तो मैंने वो बाय कर लिया है। अब मैं शॉपिंग करके जाऊंगी ग्राउंड फ्लोर पर। अब मैं अगेन आ चुकी हूँ पार्किंग में, वेट कर रही हूँ। तो अब हैदराबाद से मैं जा रही थी वापस कराची। जो भी है, जैसा भी, हैदराबाद अच्छा था, लेकिन कराची कराची है भाई, कराची को कोई बीट नहीं कर सकता। और हम कराची में रहने वाले, तो हमें कराची ही अच्छा लगेगा, और जो हैदराबाद में रहते हैं उनको हैदराबाद ही अच्छा लगेगा। तो आई होप आप सब लोग मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह हाफिज़।